सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन और किचन, ट्रेड और किचन की भर्ती आने वाली है दोस्तों। इस बार जो भर्ती आई है 8266, जिसका अभी फाइनल रिजल्ट आने वाला है, उसमें तो रसोईया और मसालची का भर्ती आ गया, लेकिन आगे दोस्तों बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, तैयारी में लग जाइए। और नई भर्ती दोस्तों आ रही है, 10 पास और 18 से लेकर 25 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ट्रेड के लिए क्या योग्यता लंबाई रहेगी और किचन के लिए क्या योग्यता लंबाई रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, ये जो अभी सीआरपीएफ में, आप पता कर लीजिए कहीं से भी, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो अभी 8266 पोस्ट की भर्ती है, जिसका मेडिकल हुआ है, दोस्तों बता दे इस 8066 पोस्ट में 12000 बच्चे पास हुए हैं, 12000, समझ गए, 12000 के आसपास बच्चे पास हुए हैं फाइनल। लेकिन दोस्तों इसमें से यदि हम बोले तो लगभग में 5000 से लेकर 4000 ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी जीडी में, जिनका मेडिकल हो गया है, मतलब मेडिकल क्वालिफाई है या उनका आगे फिजिकल होने वाला है, समझ गए, क्योंकि वो एसएससी यहां पर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में तो क्वालिफाई थे, मेडिकल क्वालिफाई थे, और उन्होंने एसएससी जीडी में भी फॉर्म फिलअप कर रखा था जिसकी लंबाई 170 सेंटीमीटर थी, और वो बच्चे अब एसएससी जीडी में भी पास हो गए हैं। अब वो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई हमको एसएससी जीडी में जाना है, हमको ट्रेड्समैन का जॉब नहीं करना है, क्योंकि उनका एसएससी जीडी में हो गया। तो इसलिए दोस्तों जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में ये जो 8266 पोस्ट की भर्ती है दोस्तों, इसमें से आधा से ज्यादा पोस्ट, समझ लीजिए लगभग 4000 प्लस पद खाली जाएंगे। ज्वाइनिंग लेटर सबका आएगा, ज्वाइनिंग लेटर 8266 अभ्यर्थी का आएगा, लेकिन ज्वाइनिंग पर केवल 4 से 5 हजार अभ्यर्थी जाएंगे, बाकी एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग में चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी का ज्वाइनिंग लेटर, इसका ज्वाइनिंग लेटर, एसएसबी में जितने एसएसबी ट्रेड्समैन में भी इधर जितने पोस्ट आए हैं, हेड कांस्टेबल वेटनरी का, ट्रेड्समैन का, इसका भी ज्वाइनिंग लेटर एक ही बार रोजगार मेला में आना है। तो दोस्तों ये सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में काफी पद खाली रह जाएंगे, समझ गए, और उधर एसएसबी ट्रेड्समैन में, तो दोस्तों एसएसबी ट्रेड्समैन में तो भर्ती आएगी ही आएगी, लेकिन सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में आप लोगों को जितनी भर्ती इस बार आई है उतनी ही भर्ती आप लोगों, उतनी ही पोस्ट में लगभग 4000 से प्लस पद आप लोगों को 2025 में देखने को मिलेगा। ये भर्ती 2025 में आएगी, समझ गए दोस्तों, 2024 में नहीं, 2025 में आएगी, समझ गए। और इस भर्ती में ये जो 4000 से प्लस पद आएंगे उसमें आप लोगों को 170 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी और 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर चेस्ट रहेगा, समझ गए। 10th पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों इस भर्ती में आपको कुक की भर्ती और वाटर कैरियर की भर्ती, समझ गए, रसोईया की भर्ती और जलवाहक की भर्ती नहीं देखने को मिलेगी। वाटर कैरियर और कुक की जो भर्ती है वह अलग आएगी, समझ गए दोस्तों, वह भर्ती अलग आएगी, देख लीजिए। कांस्टेबल किचन सर्विस, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी हम बात करेंगे जो 10th लेवल की भर्ती आएगी जिसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, उसमें मिनिस्ट्रियल की भी भर्ती होगी, प्यून की भर्ती होगी, समझ गए, सफाई कर्मचारी की भर्ती होगी, दफ्तरी की भी भर्ती होगी। क्योंकि दोस्तों सीआरपीएफ में 217 नए पद 2024 में जोड़े गए हैं, समझ गए, सीआरपीएफ में। तो दोस्तों अगली भर्ती जो 2025 में आने वाली है जिसमें मिनिस्ट्रियल की भर्ती होगी ट्रेड्समैन में, उसमें लंबाई 165 सेंटीमीटर लगेगा, जिसमें दफ्तरी होगा, प्यून होगा, सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल होगा, समझ गए दोस्तों। ये तीन पोस्ट की भर्ती आने वाली है जिसमें लंबाई 165 सेंटीमीटर लगेगा और 12वीं पास वाले अप्लाई कर सकेंगे, और 170 सेंटीमीटर लंबाई में 10th पास वाले अप्लाई कर सकेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, समझ गए दोस्तों। रनिंग जो है आप लोगों को 5 किलोमीटर होगा उस भर्ती में, और उसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, जो 10th पास में भर्ती आएगी उसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर देख लीजिए, ये कुक और वाटर कैरियर की भर्ती अलग आएगी, जो किचन सर्विस, जो किचन सर्विस, दोस्तों आप लोगों के नोटिस हम कई बार दिखा चुके हैं, ये देख लीजिए, ये सीआरपीएफ का रिक्रूटमेंट रूल्स है, देख लीजिए 2021 में जारी हुआ था ये रिक्रूटमेंट रूल्स, हम कई बार दिखा चुके हैं। कांस्टेबल किचन सर्विस देख लीजिए, 12158 पोस्ट है,
12,000 पोस्ट ना आए, 4,000 ही पोस्ट आए, 3,000 ही पोस्ट आए दोस्तों, इसलिए कि दोस्तों सीआरपीएफ में यदि आपका कोई भी है, भाई बहन कोई भी रिश्तेदार है, आप जाकर पता कीजिए तो वहां पर ट्रेड्समैन के बच्चों की अभी भी कमी है। खाना पकाने वाले, सब्जी काटने वाले, मतलब कुक रसोईया, वो जलवाहक की अभी भी वहां पर कमी है। और दोस्तों इस कमी को 2025 में पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों कांस्टेबल किचन सर्विस की भर्ती आएगी, जिसमें देख लीजिए 18 से लेकर 25 साल के बच्चे अप्लाई कर सकेंगे, 18 से लेकर 25 साल। ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा, मतलब ओबीसी 18 से लेकर 28 साल और एससी एसटी 18 से लेकर 30 साल। इसके बाद दोस्तों इस भर्ती में आप लोगों को लगेगा 10th पास और एनएसपीएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्शन किचन सर्विस एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, समझ गए। जो एनएसडीसी से, जिस इंस्टीट्यूट से आप कीजिएगा, उस इंस्टीट्यूट का एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों इस भर्ती के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आगे बीएसएफ की भर्ती आने वाली है, यदि दोस्तों आप लोग किचन सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और दोस्तों इस भर्ती में बता दें, ये जो किचन सर्विस की भर्ती है, इस किचन सर्विस की भर्ती में देखिए बेनिफिट्स क्या है दोस्तों। इसकी जो लंबाई, इसमें उम्र मिलता है 18 से 25, समझ गए। ओबीसी को यहाँ पर 3 साल का छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। पहला बेनिफिट ये हो गया, एनएसपीएफ लेवल 1 बनवाइएगा तो। दूसरा बेनिफिट हो गया क्या, दूसरा बेनिफिट हो गया कि लंबाई इसमें 165 सेंटीमीटर लगती है ऑल इंडिया, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, 165 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी। प्लस इसमें रनिंग कम होगा, प्लस इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, समझ गए दोस्तों। इस भर्ती में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, यदि आप किचन सर्विस में अप्लाई कीजिएगा तो ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि एनएसपीएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन दोस्तों एनएसपीएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट जब भर्ती आएगी, यदि आप सोच रहे हैं कि जब भर्ती आएगी तब हम बनाएंगे, तो दोस्तों ये संभव नहीं है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के लिए, इस एनएसपीएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट के लिए किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपको लगभग 25 दिन का ट्रेनिंग लेना होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, समझ गए दोस्तों। यदि आप लोग ये सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं एकदम जेन्युइन, दोस्तों हमारे द्वारा आप बनवाइएगा, एकदम जेन्युइन सर्टिफिकेट देंगे आप। इस सर्टिफिकेट जो हमारे द्वारा बनवाइएगा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, किसी भी भर्ती में किचन सर्विस की भर्ती आएगी, आप अप्लाई कर सकिएगा। दोस्तों आईटीबीपी में क्या हुआ आपको पता ही होगा, हम बच्चों को बोल रहे थे कि भाई बना लो बना लो, स्टूडेंट बोलता है सर जी भर्ती तो आता नहीं है, क्या करें सर्टिफिकेट बनाकर। लेकिन जो बच्चे हमारे बात माने, बनवा लिए थे, आईटीबीपी किचन में भर्ती आई और अप्लाई कर दिया, समझ गए दोस्तों। तो इसीलिए, क्योंकि जो भी भर्ती आती है तो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप बनवाना चाहते हैं, हमारे द्वारा एडमिशन शुरू है और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इस नंबर पर 8292 9991 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जैसे आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो आपको एक प्रोसीजर भर्ती से, मतलब इससे रिलेटेड, एनएसपीएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। दोस्तों टोटल जो प्राइस है कोर्स का, जो ड्यूरेशन का फी है, असेसमेंट का फी, सारा फी मिलाकर, एग्जाम का फी मिलाकर दोस्तों टोटल आपको 3,000 रुपया पेमेंट करना होगा, एकदम गूगल वेरीफाइड एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से। और एवरेज मतलब कि आप जो हमारे द्वारा सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो आपके सर्टिफिकेट पर जो ग्रेड मार्क रहेगा वो ए प्लस रहेगा या ए रहेगा, ये दोनों रहेगा, समझ गए। हमारे द्वारा सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो ग्रेड मार्क A1 का मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट से। तो जो भी स्टूडेंट बनवाना चाहते हैं आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, 8292 9991 पर। टोटल 3,000 रुपया आपको पेमेंट करना होगा, स्पीड पोस्ट का चार्ज अलग है दोस्तों। फर्स्ट पेमेंट आप 1500 दे सकते हैं और एग्जाम के बाद आप 1500 दे सकते हैं, एकदम फुल गारंटी के साथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल होगा। तो दोस्तों सीआरपीएफ में दो भर्तियां आएगी 2025 में और ये सारी भर्तियां एक साथ रहेगी, समझ गए। जिसमें कुक रहेगा, वाटर कैरियर रहेगा, इसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 लगेगा और बाकी मिनिस्ट्रियल की भर्ती रहेगी, ब्रासमैन की भर्ती रहेगी, बिगलर की भर्ती रहेगी, इस सब में 10th पास बच्चे और 170 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी, लेकिन वाटर कैरियर और कुक में 165 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग
हमारे द्वारा सर्टिफिकेट ले सकते हैं। समझ गए दोस्तों? तो हम नंबर यहाँ पर बता दिए, यहाँ पर देखिए नंबर बता दिए हैं, फिर से नंबर बता देते हैं, आप लोग कॉन्टेक्ट करके ये सर्टिफिकेट अपना जेन्युइन कोर्स करके बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल भी आप फर्जी वाला, बिल्कुल फर्जी वाला नहीं, एकदम जेन्युइन सर्टिफिकेट होगा दोस्तों आप लोगों का, यदि आप लोग हमारे द्वारा बनवाते हैं इस नंबर पर 8992 87 91 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, एकदम जेन्युइन सर्टिफिकेट मिलेगा NSPF लेवल 1 का। किससे? तो NSBC से मान्यता प्राप्त संस्थान से कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट करके। तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए, CRPF में किचन सर्विस की भर्ती और साथ में ट्रेड्समैन की भर्ती एक साथ आएगी, क्योंकि दोस्तों ट्रेड में पोस्ट खाली रह जाएगा क्योंकि बच्चे है नहीं, सब SSCGD में चले गए। तो इसलिए दोस्तों तैयारी में लग जाइए, भर्तियां 2025 में धमाका होगी CRPF में, अपना सर्टिफिकेट तैयार रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।